दोस्तों, ये है हमारा भारतीय राज्य पंजाब, जो कि एरिया के हिसाब से हमारे देश का 19वां सबसे बड़ा राज्य है तथा इसका यह नाम यहाँ बहने वाली 5 दरियाओं के ऊपर रखा गया था। वहीं आज के टाइम पर यह राज्य अपने पंजाबी कल्चर, बहादुर कौम और यहाँ की मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पंजाब राज्य के कुछ 5 सबसे बड़े शहरों के बारे में। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पे है पटियाला सिटी। इसे रॉयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पंजाब की लोकप्रिय संस्कृति में पारंपरिक पटियाला शाही पगड़ी के लिए और अपने खान पान के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पटियाला सिटी 160 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है और 2011 सेंसस के आधार पर यहां की कुल आबादी 7.63 लाख निवासियों की है। नंबर 4, जालंधर सिटी। यह पंजाब राज्य का एक बड़ा ही प्राचीन शहर है, जो अपने हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जालंधर अपने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहीं 2012 सेंसस के आधार पर इस शहर की कुल आबादी 9.62 लाख निवासियों की है तथा जालंधर को भारत में बनने वाले 100 स्मार्ट सिटीज में से एक के रूप में चुना गया है। नंबर 3, चंडीगढ़ सिटी। वैसे तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो पंजाब और हरियाणा इन दोनों ही राज्यों की न्यायिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है, बट फिर भी मैंने इसे इस लिस्ट में शामिल किया है, वरना कुछ लोग कमेंट बॉक्स का रुख ही बदल देते हैं। खैर, चंडीगढ़ एक काफ़ी खूबसूरत शहर है, जहाँ की सड़कें और यहाँ की हरियाली किसी को भी अपना दीवाना बना लेती है। वहीं चंडीगढ़ की वर्तमान जनसंख्या 11 लाख से भी अधिक है। नंबर 2, अमृतसर सिटी। यह पाकिस्तान सीमा से महज 28 किलोमीटर की दूरी पर बसा पंजाब राज्य का एक मुख्य शहर है, जो यहाँ के हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेंपल जैसे धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है तथा इसके अलावा अमृतसर पंजाब के माझा रीजन का एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है, जहाँ की कुल जनसंख्या 2011 सेंसस के आधार पर 11.32 लाख निवासियों की है। नंबर 1, लुधियाना सिटी। यह पंजाब राज्य का एक मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है, जो वर्तमान समय में पॉपुलेशन वाइज पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, जहां की वर्तमान एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 18.85 लाख निवासियों की है। वहीं लुधियाना सिटी का लगभग 60% एरिया सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बटा हुआ है, जिस वजह से यहां पर दूसरे राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में आते हैं।